क्या आपको मालूम है कि स्पेस एक्स लॉन्च करने वाले साइंटिस्ट के बारे में लोगों की क्या राय है? कुछ लोगों का ख्याल है कि इलॉन मस्क एक एलियन है और कुछ लोग समझते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, लेकिन दर हकीकत वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो बिजनेस और साइंस की दुनिया को पूरी तरह फतह करने की नहज पर है। इलॉन मस्क इस वक्त साइंस की वो दुनिया देख रहा है जिस पर फिलहाल किसी की नजर नहीं। आए जानते हैं कि इलॉन मस्क एक कामयाब साइंसदान और बिजनेसमैन कैसे बना। स्पेसएक्स लॉन्च करने से पहले इसने सोवियत रॉकेट मैनुअल पढ़ा। उसने साथ साथ अपने इर्द गिर्द ऐसे साइंटिस्ट को भी रखा जो स्पेस की फील्ड में एक्सपर्ट समझे जाते थे। इसलिए वो सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस आया ताकि वो स्पेस इंडस्ट्री को करीब से देख सके और सीख सके। इलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ और 17 साल की उम्र में कनाडा आया, जिसके बाद बतौर ट्रांसफर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उसने तालीम हासिल की। इलॉन मस्क जाहिरी तौर पर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट है, लेकिन इसको इस दौर का सबसे कामयाब इंजीनियर भी समझा जाता है। इलॉन कहता है कि वो ज्यादातर चीजों को फिजिक्स की मदद से समझने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कहता है कि हर शख्स फ्यूचर को फिजिक्स की मदद से प्रिडिक्ट कर सकता है। इलॉन दुनिया को बहुत मुख्तलिफ जावियों से समझने की कोशिश करता है। लर्निंग के बारे में इलॉन का ख्याल है कि लर्निंग असल में इंसान के जहन में डेटा और एल्गोरिदम के डाउनलोड होने का नाम है, लेकिन वो कहता है कि स्कूल्स इस लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहे। इंसानों की डिवाइस के इस्तेमाल की वजाहत करते हुए इलॉन कहता है कि दरअसल इंसान एक बैंडविड्थ से चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। उसका कहना है कि जिस तरह कंप्यूटर ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, इसी तरह इंसान अपनी डिवाइस के जरिए 10 से 100 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी नजरिए को सामने रखते हुए इलॉन ने न्यूरालिंक इजाद किया, जिसके जरिए इंसानी जहन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कॉलेज के जमाने में इलॉन मस्क ने अपना ज्यादातर वक्त कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखने में गुजारा। ऑनलाइन बैंकिंग पर काम करते हुए उसने x.com नामी कंपनी बनाई, जो कि बाद में पेपाल के नाम से मशहूर हुई। इलॉन कहता है कि उसने स्कूल में हमेशा अच्छे ग्रेड हासिल नहीं किए, खास तौर पर उन मजामीन में जो इंसानों की तरक्की में कोई फायदा नहीं पहुंचाते। वो कहता है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से बेहतर वीडियो गेम्स खेलना और कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखना है। फिजिक्स और कंप्यूटर्स में इलॉन हमेशा अच्छे ग्रेड हासिल करता था और उसके मुताबिक बच्चों को वही सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिनकी इस वक्त जरूरत है। इलॉन मस्क इस वक्त टेस्ला ड्राइवरलेस कार्स और स्पेस एक्स के जरिए इस दुनिया में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने पर काम कर रहा है। इस वक्त इलॉन मस्क को 190 बिलियन डॉलर्स वर्थ के साथ दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी समझा जाता है।